Hey guys, assalamualaikum, this is Fatma Jafri and welcome to another vlog. इस वक्त बज रहे हैं कोई रात के 1 बजे और मेरा शूट ही नहीं रुक रहा था क्योंकि मैंने नई LED लाइट ली है और ये वाला सीन मैं आपको बाद में बताऊंगी, अलग व्लॉग है इसकी। बहुत बुरा करंट लगा है मुझे, हो चुका है क्या, मतलब खुद ही किया है मैंने, ऐसे ऐसे करके मैंने साड़ी पहनी हुई है। पिक्चर आप लोगों को दिख जाएंगी, बड़ी मेहनतों से पहनी है क्योंकि मैंने पहनी तो बहुत बार है मगर संभालना बहुत मुश्किल। और अच्छी लग रही थी यार, शूट वगैरह अच्छा हुआ है तो अस्सलामुअलैकुम। और मैं थक चुकी हूँ शदीद वाली क्योंकि मैं सो के उठी और मैंने खाना पीना कराया लेकिन लाइट चली गई, क्योंकि लाइट चली गई है तो मेरे पास करने कराने को कुछ नहीं और मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अचानक से याद आया। और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे घर में मैंने कितने सारे पौधे रखे हैं, आज देखते हैं। मैं पहले भी यहाँ पे क्यारी थी लेकिन बोरिंग की वजह से हटा दिया था और अब फिर से, मतलब क्यारी तो नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे प्लांट्स थोड़े से रखे हैं। ये ड्रैगन आई थिंक कमर को पता है इन सब के नाम, और ये उतनी कौन सा है, मनी प्लांट भी है। फिर उसके बाद ये भी एक प्लांट है, उतनी कौन कौन सा है, ये भी है कोई, ये भी है। ये थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल वाला कमरा घर लगता है हमारा क्योंकि पुराने जमाने का बना हुआ है ना। कमर के आप काम चेक करें, वाह देखिए छोटे छोटे ड्रेस ना गमले यहाँ पे भी लगाए हुए हैं कि अच्छा लगता है, जैसा घर है वहाँ को दिखा रहा है। पूरा टूर तो नहीं दे सकते लेकिन देखिए, ये ज़्यादातर मैं वीडियोज़ यहाँ पे बनाती हूँ। ये वो कॉर्नर है, कॉर्नर यहाँ पे मेरी पिक्चर्स वगैरह होती हैं ज़्यादातर, याद है ना आप लोगों। हाँ, और एक ये बहुत पुरानी जगह है जहाँ पे मैं वीडियोस पिक्चर्स करती थी, अब तो बहुत बुरी हाल हो गई इसकी। फिर एक ये जगह है, चलिए हम लोगों ने कबूतर पाले थे, कबूतर हेलो, तो मुझे इतने दूर से अच्छे लगते हैं लोग। और जानवर भी हैं लेकिन ये तो घर में ही है बाकी सारे। और ये मैं स्टंट करने लगी हूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत मुश्किल से रहता है, लाइट आ गई है ये देख मुंह क्या हो गया तुम्हें, बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? बस पता नहीं, अम्मी ले घर हंसने वाले चेहरे का मतलब ये नहीं है। उस पे से हटा दो मेरा आलू का मसाला, हटा दो, भाग जा। तू तो सोचती रह गई तेरी सहेली नंबर ले गई। आके दिखाओ, खुदा की कसम आंखों से दर्द टपक रहा है, आंख दिखाओ। बेली जी नागे निगा। ये अब मजा आएगा ना बिड़ू। बाय द वे मेरा छोटा कजन है जो कि मुझसे बहुत बड़ा लगता है, दाढ़ी वाड़ी आ गई बेचारे की, बेचारा बेचारा। क्या हो रहा है ये? टाइम पास, थोड़ा कीड़ों के लिए छोड़ दो बेटा। नहीं नहीं सब छोड़ा ही है, वो मैं ऐसी चुल कर रही थी। अच्छा एक बड़ी कीड़ी खा रही है ना, वो एक ही बात है। तुम्हारे अंदर के हंसते है को हम कुछ बोले? पापा का रिंग्स आए। ये क्या हो रहा है? रिंग्स आए। कमर कैसे करना है पहले बताओ। यूं और खोले आंखे, करीब आए, रिंग लाइट के करीब आए, करीब आए, जूम करके देगा। पहले मुझे लगता था क्या कर रहे वीडियो, तुम हमको गली देख रहे, पक्के टिकटॉकर देख ले आप लोग, चिकने कटवा क्या है अभी विद फिल्टर, बस आप लोग देख ले। ये लिपसिंग नहीं होता फिर क्या होता है? हाथ तो गया है बेटे, हाथ तो गया है। लोगों ने स्टैंड पूरा ऐसे रखा, मैं लंबे लंबे मैं कहा जाऊंगी। जोकर वाली वाला है ब्रो, मेरा तो स्टूडियो, तुम लोग बताओ स्टूडियो, मैं बिहाइंड द सीन अगर शूट कर दिए तो गाइस मुझे हाइट इशू बहुत है। अब आपको मैं मिसाल दिखा देती हूँ गाइस, इसको ऊपर करो तो मैं नहीं आ रही, उसको नीचे करो तो भाई नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, किधर जाएं हम लोग गाइस, गाइस गाइस आज से
अभी हमारा नतीजा निकला कि हम इसके ऊपर चढ़ के थोड़ा सा बराबर आना चाहेंगे। ओ वाओ पागल, मेरा हाथ है भाई, मैं इतने अच्छे कर रहा हूँ। ये नहीं, तुम तो इतने अच्छे कर पढ़ रहे। मुझे लगता है कि बात है सबकी, मैं कह रही सबकी मतलब कुछ भी कुछ भी। ये कब्बर सूरज बुकी बन गया पूरा ही का। सो गाइस, इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग को काटा है कुत्ता जाके तीनों के तीनों एक बाइक पे, क्या कहते हैं उसे, वो जॉन जॉनी जनार्दन बन के लेके आए गोलगप्पे और पराठे, वो भी बोले। नजर लग जाती है। अच्छा चिकन चीज पराठे, सॉरी क्या लग जाती है? नजर लग जाती है। क्यों लग जाती है? अल्लाह माफ कर दे। तो यार हम लोग के चटोर पर नहीं करता, मतलब मैं डाइट नहीं कर सकता। इसमें वो भी देख सकते हैं जिसके हम नकल उतार रहे हैं। नहीं देख सकते, उनकी अभी तक बसात नहीं है वहां तक की। और ओन भाई बना हुआ है अभी क्या? बनिया हरा धनिया। बेटा बनिया बनिया से याद है, इसका प्यारा तो लेके आओ गोलगप्पे का। अरे तुम था लो पहले, चूल्हे से वो खा ले। लोग समझेंगे तुम बोलते ही ऐसे हो। कम सब तो पता है। क्या पता है सब तो? अल्लाह माफ करता। पता पता तो कहाँ नहीं बन रही भाई, मेरी पार्टी तो इसी वक्त होती है। हम लोग लगे पड़े खाने में और कंबर चेक कर रहे कि मैं एंगल से रखा है कि नहीं रखा है। आई नो हाउ टू डू व्लॉगिंग। आई मैं अल्लाह माफ करें, मीरा जी वाली इंग्लिश बोल रही हूँ। खाते हुए मैं नहीं बनवाता क्या? हटा दो हटा दो। आई एम नॉट बीसी कमेटी। यू आर कमेटी ओनली। ऑन रजा भाई, अभी हड्डियों भूख लग रही है। अभी हड्डियों बहुत भूख लग रही है। कंबर तुम ये मेरा खाओगे? कल को तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम्हें खाना पड़ेगा। सॉरी क्विट। इतने मजे का ठंडा 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 पानी हो रहा है, मजा आ रहा है। खांसी आए कुछ भी आए अगला हो मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। हेलो हाँ, सॉरी व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने चटनी नहीं डाली अपनी, सॉरी गोलगप्पे मुझे सोते में भी ढका कर खिला दो। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ गोलगप्पे की डेफिनेशन। गोलगप्पा एक वैसी चीज़ है जो कि समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोलगप्पा एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जब इसको आप खाना शुरू करते हैं ना, ये बगैरत जैसा ये खुद होता है वैसे ही मुंह बनाता है। और इतनी क्या शय है ये, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मैं लाइव दिखाती हूँ। 1 2 3 पर उस लड़की की तरह लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि जैसे लड़की नसीब खराब करती है इसी तरह ये गला खराब करता है। मुंह नहीं, गला खराब करता है। मुंह की नहीं तो खा रहे, इसलिए गोलगप्पा खाएं क्योंकि जिंदगी जी। शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। इसी के साथ प्यार देते रहे, क्योंकि आज का यही टॉपिक है कि गला खराब करना इज बेटर देन जिंदगी खराब करना। आज का ये टॉपिक था कि जिंदगी खराब करना इज बेटर देन गला खराब करना। जिंदगी खराब करना इज बेटर देन गला खराब करना। वाह, गला खराब करना इज बेटर देन।